पर बीजेपी आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने जा रही है। दरअसल भ्रष्टाचार और अन्य जनहित के मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा बीजेपी की तरफ से। बकायदा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में सांसद और विधायक शामिल होंगे। तो बड़ी खबर बीजेपी से जुड़ी हुई, देखिए चुनावी साल है लिहाजा बीजेपी चुनावी मैदान में कूद चुकी है। तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर पहले ही हमलावर है, खासतौर पर भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बताते हुए यहां पर ज्ञापन सौंपा जाएगा राज्यपाल को। सीपी जोशी के नेतृत्व में तमाम बीजेपी के सांसद और विधायक शामिल होंगे। एक तरफ गृह मंत्री और साथ ही जेपी नड्डा भी चुनावी दौरे पर आ रहे हैं भरतपुर और उदयपुर, लेकिन इन सबके बीच में कैसे जमीन पर काम करना है, कैसे लोगों से कनेक्ट करना है, कौन से वो मुद्दे हैं जो चुनाव में सामने आने वाले हैं, अब धीरे धीरे तमाम चीजें सामने आने लगी हैं। आज बीजेपी भ्रष्टाचार और दूसरे मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपने जा रही है राज्यपाल को। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में तमाम बीजेपी के सांसद और विधायक आज एकजुट होंगे और राज्यपाल को जाकर ज्ञापन सौंपेंगे। तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी एक्टिव मोड में आ गई है। भ्रष्टाचार समेत अन्य मुद्दों को लेकर राज्यपाल सरकार को राज्य सरकार को सड़क पर घेरने के साथ ही अब प्रदेश में केंद्रीय नेताओं के दौरे भी तेज हो गए हैं और इसी महीने के अंत में बीजेपी के तीन बड़े नेता यानी कि प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। माना ही जा रहा है कि जल्द पीएम मोदी का भी राजस्थान का दौरा तय है। वहीं अगले महीने बीजेपी का पोल खोल अभियान का आगाज होगा। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने संघर्ष तेज कर दिया है। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर बीजेपी सड़कों पर उतरकर आर पार की लड़ाई लड़ रही है, तो कानून व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर हमला करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। प्रदेश बीजेपी की सक्रियता के बीच केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश के नेताओं और कार्यकर्ताओं के जोश को हाई करने के लिए बैक टू बैक प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 28 जून को जोधपुर दौरे पर रहेंगे, तो वहीं 29 जून को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा भरतपुर आकर कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। इसके अगले दिन 30 जून को गृह मंत्री अमित शाह उदयपुर आ रहे हैं। इसके साथ ही 30 जून को ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह जयपुर भी आ सकते हैं। 28 तारीख को हमारे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का जोधपुर में कार्यक्रम है। 29 तारीख को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय जेपी नड्डा जी का भरतपुर में कार्यक्रम है और 30 तारीख को देश के गृहमंत्री और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी का उदयपुर में कार्यक्रम है। केंद्रीय नेताओं के दौरों के साथ ही बीजेपी अब पोल खोल अभियान के जरिए कांग्रेस सरकार के वादों की पोल खोलने का अभियान शुरू करने जा रही है। अभियान के तहत 5 जुलाई को लंपी से प्रभावित पशुपालकों का बीकानेर में सम्मेलन होगा, तो जुलाई के दूसरे सप्ताह में झुंझुनू में किसानों का एक बड़ा सम्मेलन किया जाएगा। इसमें कर्ज माफी और जमीनें नीलाम होने वाले किसान शामिल होंगे। इसके बाद जुलाई के आखिरी सप्ताह में जयपुर में बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। बीजेपी का दावा है कि इसमें 5 लाख लोग शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी का भी जल्द ही पश्चिमी राजस्थान का दौरा तय होने वाला है। इस बार पीएम मोदी जोधपुर आ सकते हैं, जहां विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। कई परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास आदरणीय मोदी जी का हाथ हुआ है। आने वाले समय में और भी ऐसी परियोजना है जिसके निमित्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बनेगा, तो निश्चित ही उसकी जानकारी हम सब लोगों को मिलेगी। कर्नाटक चुनावों के परिणामों के बाद अब बीजेपी स्थानीय मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेरने के लिए एकाएक सक्रिय हो गई है। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, महिला अत्याचार, कर्ज माफी, पेट्रोल डीजल पर वैट, बिजली, पेपर लीक समेत तमाम मुद्दों को उठाकर आगामी विधानसभा चुनावों की जमीन तैयार की जा रही है। इस बीच केंद्रीय नेतृत्व के दौरे कार्यकर्ताओं के जोश को हाई करने के साथ ही पार्टी की गुटबाजी को थामने के लिए अहम होंगे। सौरभ गृहस्थी।